कि बसंत सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है। अभी थोड़े नाल बसंत बारे गलबात साझी करनी है। रमज़ान शरीफ का महीना चलता पाया और कमां कारां दे रुझेवें कुछ इस तरह होए पए ने कि वेले सिर वीडियो भी अपलोड नहीं हुंदियां। अगों ईद आउंदी पई आ, सो शहर जाना आना, कपड़ा लीड़ा लैणा देना, सौ काम काज जिहड़ा जिंदगी दे नाल जुड़िया होया। पिछले डंगा दे विच रौला पिया होया सी कि बसंत एक हिंदुआं दा त्यौहार है और सानू नहीं मनाउणा चाहीदा, और कई लोगों का कहना सी कि बसंत एक कातल खूनी त्यौहार है, सानू नहीं मनाउणा चाहीदा। सो वक्खो वक्ख गल्लां ने, वक्खो वक्ख दलीलां ने। हाँ, अगर तुसीं इह गल करदे हो कि बसंत सिर्फ हिंदुआं दा त्यौहार है और बिलखसूस लहिंदे पंजाब दे पंजाबियों दा इस त्यौहार दे नाल कोई लैणा देणा नहीं है, तां असीं इस गल ते तुहाडे नाल सहमत नहीं हां। असीं इख्तलाफ करदे हां क्योंकि बसंत एक मौसमी त्यौहार है, एक सकाफती त्यौहार है और पंजां पाणियां दी धरती ते रहण वाला हर वो बंदा, चाहे वह मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, सब का सांझा त्यौहार है। जिस तरह लोहड़ी, विसाखी या पंजाब के बाकी त्यौहार सांझे ने साडे। सोशल मीडिया के उत्ते साडे कई लिखारी, कई दानश्वर, कई सूझवान गल्लां लिखते पए ने, बोलते पए ने और कह रहे हैं कि हिंदू बसंत हकीकत राय की याद के मनाते हैं या दिन दिहाड़े हकीकत राय को डेडीकेट किए जाते हैं। हुण हकीकत राय की हकीकत की है? हकीकत राय वो बहुत वड्डा बंदा नहीं सी, वो 12-14 साल का एक बच्चा सी जिहड़ा कि सियालकोट दे विच किसे मदरसे दे विच फारसी सिखदा सी। मुगल दौर दी इह गल है और जिथे वो फारसी सिखदा सी उत्थे वध गिणती दे विच बच्चे जिहड़े सी वो मुसलमान सी और इकल्ला हकीकत राय विच इक हिंदू सी। हुण तरीख दी पड़चोल करदिआं होइआं कोई पक्कीआं गल्लां या पक्का जवाब तां कोई लभदा नहीं। इही गल्लां मिलदीआं ने कि हकीकत राय ने धर्म इस्लाम नूं माड़ा बोलिया और मुसलमान बच्चियां ने हिंदू धर्म नूं माड़ा बोलिया और इन्हां दी आपस दे विच लड़ाई हुई क्योंकि हुकूमत मुसलमानां दी सीगी और इहनूं फड़ के लिआंदा गया कि तूं माफ़ी मंग। इहने कहा मैं माफ़ी नहीं मंगदा। इस तों बाद इहनूं लाहौर मुगलां दे वज़ीर खान दे कोल पेश कीता गया कि तूं इत्थे माफ़ी मंग या इस्लाम कबूल कर लै, तेरी जान बख्शी हो जूगी। तो उन्हें कहा कि मैं दोवें काम नहीं करता। सो उन्हूं फाह ला दिता गया और उहदी मड़ी अज भी कोट ख्वाजा सईद लाहौर दे विच मौजूद है। हुण हकीकत राय का रोल बसंत दे नाल सिर्फ इन्ना कि जिस दिहाड़े उहदी फांसी हुई सी उह दिन दिहाड़े बसंत दे चलदे पए सी, उह बसंत दा दिन सी। होर ना कोई उहने बसंत आजाद कीती आ और ना कोई उहने सब तों पहलां मनाउणी शुरू कीती सी। होर कई लोग बसंत नूं हिंदुआं दी देवी मां सरस्वती, जिहनूं कला दी राणी कहा गया, उहदे नाल वी जोड़दे ने। हाँ, इह गल किते ना किते समझ दे विच आउंदी है क्योंकि बसंत एक मुढ कदीम पुराना त्यौहार है। हुण बसंत है की? बेसिकली बसंत दा मतलब की है? बसंत दा मतलब है बहार, नवी जिंदगी, नवी रुत्त, नवा रूप। और बसंत संस्कृत का अक्षर है और सानू ये वेदां दे विच भी सुनने लभदा और गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी सुनने लभदा। जदों पोह खत्म हुंदा, पाला खत्म हुंदा, पाला जांदा, पाले दे कुट्टे फंडे लोग जिहड़े जुल्लियां दे विच वड़े हुंदे ने, उह जुल्ले छड्ड के, जीव जंतु खुड्डां छड्ड के, चिरिंद परिंद आलणे छड्ड के बाहर निकलदे ने और एक नवीं रुत्त आउंदी है। पंजाबी कैलेंडर दे हिसाब नाल साडा नवां साल शुरू हुंदा और उस नवीं रुत्त दी आओ भगत करदे ने, उहनूं लोग सैलीब्रेट करदे ने, जी आयां नूं कहिंदे ने, रंग बिरंगे कपड़े पाउंदे ने और हर तरफ धरती दे उत्ते फुल खिड़ जांदे ने, रुखां दे उत्ते बहार आ जांदी है, जिहड़े पत्ते ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਕਮਾ ਦੀ ਆ, ਮੋਢੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਵੀਂ ਜੂਨ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁੱਡੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਆਪਣਾ ਨਵਰੋਜ਼ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਇੱਥੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਰੋਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਸੰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜੋ ਸ਼ਮਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਆਂ, ਬਦਾਮ, ਸੋਗੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਖੂਨੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ,
और कई मावां दीआं कुखां उजाड़ दित्तियां गईआं ने और कई लोगों दीआं बेकसूर जिंदगियां उन्हां तों खोह लईआं गईआं ने कैमिकल डोर की वरतों करके। तो असीं तुहाडे नाल हां, जिथे तुसीं आवाज़ चुकोगे असीं आवाज़ चुकांगे। इस तहवार नूं खत्म करन वास्ते इहदे खिलाफ पहले प्रोपोगंडा किया गया कि जी ये हिंदुआं दा तहवार है, जिस तरह साथों साडी बोली कोई गई कि यह सिखां दी बोली है, पंजाबी मुसलमानां दी नहीं है। जिवें लोहड़ी ये सिखां दा तहवार है, साडा नहीं है। विसाखी ये सिखां दा तहवार है, साडा नहीं है। इस तरह साथों साडी बसंत खोण वास्ते इन्हां ने पहला प्रोपोगंडा चलाया कि यह हकीकत राय की याद च मनाई जाती है, कभी सरस्वती की याद च मनाई जाती है, मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। जदों इस गल ते कोई अमल ना हो, लोग ना हटे, क्योंकि DNA तो पंजाबी ही है, तो जो लोग ना हटे तो इन्होंने कच्चे धागे की थान से गुड़ियां उड़ाने वास्ते इन्होंने कैमिकल डोर की याद की, कैमिकल डोर की वरतों की, बेदरेग उसका इस्तेमाल किया और लोगों नूं कहा कि धड़ाधड़ तुसीं इस्तेमाल करो, जिदे फिरदा नुकसान हुंदा होण दिओ, ताकि एक दो खबर आउणगियां ते आपे बसंत जिहड़ी आ खत्म हो जाऊगी, तो असीं इत्थे नरोज़ लै आवांगे और नरोज़ जिहड़ा है वह इत्थे मनाया जाऊगा। कित ना कि भी गल्ला सुनने के आदियां ने कि काम जमात इस्लामी ने शुरू किया और बाद कई जमातें ये शामिल भी हुई। यह हिसाब ला लो कि डेली किन्ने लोग मोटरसाइकिल हादसों का शिकार होंगे ने, किन्ने लोग मरते हैं, कोई खंभे च वज के मरता, कितने कोई बिजली की तार टुट जाती है, बारिश आई है, पानी है, उत्थे बंदा डिग के मरता, कोई गड्डी च वज के मरता, मोटरसाइकिल की कोई सेफ्टी तो है कोई नहीं, शैतानी चरखा तो यह इनके उत्तों किन्ने लोग मरते, लेकिन खबर कदी नहीं उन्होंने आँगी। खबर हमेशा आँदी है साल बाद तो फलाने बंदे के गले से डोर फिर गई, पतंग कटिया जा रहा है, तो डोर फिरी तो वो गर्दन कटी गई, बंदा जोड़ा वह मौके से मर गया। सानू यकीन करो उन्होंने बंद का भी दुख हों, भी इंसान ने, इंसान किसी माँ के पुत ने, किसी माँ के लाल ने, पर खबर उन्होंने ही आँदी है। जो दूजे मर्द ने उन्होंने खबर मेन स्ट्रीम मीडिया जो हाईलाइट क्यों नहीं करता, वजह की वजह सिर्फ यही लोगों में डर पाना कि तुम बसंत नहीं मनानी, तुम गुड्डा नहीं उड़ा, मतलब इस त्यौहार को सैलीब्रेट नहीं करना, सिर्फ रोला इस गल का, बाकी कभी कोई खबर नहीं आई। बसंत की खबर भज के लाने, चीक चीक के खबर अठ अठ दिन ट्रेंडिंग में खबर चल दी ने। ठीक है, फैसलाबाद मुंडा जोड़ा बेचारा होया, हादसा होया, जिंद मुंडा कि सोहना सुंदर वेख के इन्ना दुख होता, यकीन कर दिया, रोन भी आता, कोई माँ का की हाल होगा, है कि सोहना सुनखा जवान टुर गया किसी का। गल वे अठ दिन खबर चलती रही, लेकिन कोई एक्सीडेंट होकर मर जाता, खबर ही नहीं आती। बसंत के पाबंदी ला रहे हो कि लोगों दी जिंदगियां सेफ रहन, लोग गुड्डे ना उड़ाउण, कैमिकल डोर की वरतों ना करन। हाँ, अगर तुसी वाकई चाहते हो कि लोगों दी जिंदगियां सेफ रहन, तो फिर बुरे नूं ना मारो, बुरे की मां नूं मारो, ताकि वह दोबारा बुरा जमे कोई ना। तुसी लोगों नूं ना पढ़ो जिहड़े गुड़ियां उड़ाउंदे ने, तुसी जाके पढ़ो फैक्ट्रियां वालियां नूं। अगर एक शहर की आबादी 5 लाख है तो उत्थे 15 कैमिकल डोर दीआं फैक्ट्रियां ने या 20 कैमिकल डोर दीआं फैक्ट्रियां ने, रेड मार के उन्हां नूं चक्को, एक दो फैक्ट्री मालक जिहड़े ने टंगो, फैक्ट्रियां सील करो, मुड़ के कोई बनावे ना, ना कोई बेचे। तुसी लोगों नूं आके मनाई कर रहे हो कि तुसी गुड्डे ना उड़ाओ, हुण तुहाडे कोल इन्नी फोर्स हैगी 5 लाख दी जिले दे विच कि तुसी कली कली छत ते ला दिओ कि इत्थे कोई न्याणा कोई गुड्डी ना उड़ावे, न्याणा ने तां उड़ाउणियां उड़ाउणियां ने। तुसी जिन्नी मर्जी पाबंदी ला लो, पिछों जिहड़े गुड्डे ते डोरां पैकेटां दे विच आउण लग पईआं, पहलां चरखियां च आउंदियां सी, हुण गुड्डा बणिआ बणाया नहीं आउंदा, पतंगां जिहड़ियां ने हुण पीसां विच आउण लग पईआं ने, नाल नक्शा बणिआ आउंदा, न्याणे चुक्की फिरदे ने गलियां दे विच, ओह अल्फी ला के ते अपना गुड्डा बणा के उड़ा लैंदे ने। हुण कल मैं देखिआ उत्थे फैसलाबाद दे विच हर बंदा स्कूटर के मूहरे ना तार जी बनी फिरे, भी जी डोर है उसे गले देना फिरे, यू टच करके सू प्रोटेक्ट करे। और बंदा ये वेखो कि तुसी जुलम जड़ा वो खत्म नहीं कर रहा, बल्कि तुसी कह रहे हैं कि जालम को बचने वास्ते तुसी जमीन च सुरंग कुट लो, उत्थे वड़ जाओ, तुसी जुलम के खिलाफ लड़ो ना, भी तुम जालम न फड़ो। हाँ, जाके तुम आवाम को कह रहे कि तुम इसको प्रोटेक्ट होना वे, साडा इहदे च कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना आप वेखो, तारा लवाओ या जो भी करो। और बई तारा लवाने की लड़ ही ना पवे, तुम इन्होंने कहो जाके कि तुम यह बंद करो फैक्ट्रियां, कैमिकल ना बने। पतंगा पूरी दुनिया के हर मुल्क जो चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया, आस्ट्रेलिया, अमेरिका उड़ाइया जाए, उत्थे कोई रूल ने, कोई असूल ने, तुम भी रूल असूल रखो और इस तरीके चलो ना, कि तुम जो साडे त्यौहार ने तुम उन्होंने खत्म की जाओ। पहला साथों साडी बोली खोह ली, फिर साथों लोहड़ी खोह ली, विसाखी खोह ली, हुण कदी बसंत खोह लेंदे हो, कदी पाबंदी ला दिंदे हो, कदी चल पैंदी है, कदी ला दिंदे हो, कदी चल पैंदी है। सो मेहरबानी करके ये थोड़ा जिहा ध्यान करो इहदे वास्ते।